शहद के विज्ञापन को लेकर एफएमसीजी सेक्टर की दो बड़ी कंपनियों के बीच विवाद छिड़ गया है और दोनों मामले को विज्ञापन नियामक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ले गई हैं। दरअसल डाबर अपने प्रतिद्वंदी मैरिको के उस दावे के खिलाफ एएससीआई में शिकायत दर्ज करा रही है जिसमें कहा गया है कि उसका सफोला शहद का ब्रांड एनएमआर परीक्षण पर खरा उतरा है। मैरिको ने कहा कि डाबर ने अपने उत्पाद डाबर हनी को लेकर दावा किया है कि यह एनएमआर जांच के अनुसार शहद शुद्ध है। इसके खिलाफ मैरिको ने एएससीआई के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। एनएमआर पर खरा होने का दावा गलत और गुमराह करने वाला पाया गया है। मैरिको ने 3 दिसंबर को एएससीआई के समक्ष एक और शिकायत दर्ज कराई जिसमें उसने डाबर के उस दावे को चुनौती दी कि उसका शहद जर्मन एनएमआर परीक्षण में सफल रहा है। किसी ब्रांड का नाम लिए बिना एएससीआई ने कहा कि उसे पिछले कुछ महीनों में शहद ब्रांडों के खिलाफ 4 शिकायतें मिली हैं। डाबर ने दावा किया कि एनएमआर परीक्षण पर उनका दावा उपभोक्ता को भ्रमित कर रखा है। हालांकि डाबर के इस दावे को खारिज करते हुए मैरिको ने कहा सफोला शहद एफएसएसएआई के सभी गुणवत्ता मानकों पर भी खरा उतरता है। इससे पहले मैरिको ने शहद को लेकर डाबर के एनएमआर दावे पर एएससीआई के समक्ष 1 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी।